हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर के तरफ से जो है आपका डिप्लोमा वालों के लिए, बीटेक वालों और प्लस आईटीआई वालों के लिए प्लस मास्टर डिग्री चारों ब्रांच के लिए जो है यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे हम लोग पूरा डिटेल्स देख लेते हैं और इसका ऑफिशियल जो लिंक है नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको नीचे जो है लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इजीली इसका जो नोटिफिकेशन है आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इसमें आपको जो है जॉब करना है, यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा सा ज़्यादा है, समथिंग 1000 या 2000 के आसपास है, लेकिन यहाँ पे क्या होता क्या है कि बहुत कम कैंडिडेट जो है अप्लाई करते हैं और ये जो वैकेंसी होती है मतलब खाली खाली निकल जाती है, मीन्स सीट बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं। तो अगर जिनको मतलब अगर फीस नहीं देखना है और लोकेशन नहीं देखना है, लोकेशन तो आपको जमशेदपुर में ही जॉब करना है, ये दो चीज़ अगर आप एफर्ट कर सकते हैं तो आप इजीली इस फॉर्म को भरिए, इसमें उतना मतलब फाइट नहीं रहता है। तो चलिए हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन का डेट, आप देख सकते हैं और यहाँ पर पूरा डिटेल्स दिया गया है, लिंक आपको नीचे दिया गया है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें कुछ वैकेंसी जो है मतलब एक्सपीरियंस बेसिस पे हैं और कुछ बिना एक्सपीरियंस के हैं। तो एक्सपीरियंस के जितने बेसिस हैं वो बहुत कम सीट हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ग्रुप बी में देख सकते हैं आप जो है सिविल के लिए 22 सीट है, प्लस जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट 22 है। इसके आगे भी बहुत सारी सीट हैं, अलग अलग पोस्ट के तरफ से यहाँ पर डिवाइड किया गया है। टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 11 है, प्लस सबके लिए अलग अलग यहाँ पे जो है सीटें दी गई हैं। और बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा होगा, ये 2000 जो है आपका जनरल ओबीसी के लिए है, बाकी ग्रुप ए के लिए है, और ग्रुप बी के लिए जो है 1000 फ़ीस होगा, ग्रुप सी के लिए जो है 500 फ़ीस है। तो यहाँ पर जो है चार कैटेगरी में यहाँ पर फ़िलहाल डिवाइड किया गया है पोस्ट को, तो आप लोग पूरा इजीली देख लीजिएगा, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है आपका कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल है ये पूरा डिटेल्स जो है यहाँ पे आपको दिया गया है। देखिए, कुछ ब्रांच के लिए बीटेक वाले एलिजिबल हैं, जैसे यहाँ पे जो है देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट है आपका उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है क्वालिफिकेशन दिया गया है, कुछ एक्सपीरियंस बेसिस पे भी जॉब है और कुछ जो है बिना आपका वैसे भी है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, कुछ चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़। तो यहाँ पे जो है कुछ पोस्ट जो है आपका दिया गया है, जैसे ये टाइप का पोस्ट है, तो यहाँ बीटेक भी दिया गया है और फर्स्ट क्लास जो है डिप्लोमा आपका दिया गया है इलेक्ट्रिकल से या फिर सिविल से, और बाकी यहाँ पे जो है बीटेक का भी दिया गया है। तो यहाँ पे कई सारे कंडीशन मतलब दिया गया है, अलग अलग ब्रांच जो है एलिजिबल है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 ABCD करके जो है यहाँ पे पोस्ट को डिवाइड किया गया है। तो फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे भी जो है आपका कुछ अलग पोस्ट है जिसमें आपका डिप्लोमा और बीटेक दिया गया है, और यहाँ पे जो है देख सकते हैं आप टेक्नीशियन के भी कुछ पोस्ट निकले हैं जिसमें आपका 10+2 और ITI चाहिए। तो आप लोग पूरा डिटेल देख लीजिएगा, लिंक जो है आपको नीचे मिल जाएगा, ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पे भी कुछ पोस्ट है आपका अलग से जो है यहाँ पे दिया गया है टेक्नीशियन के लिए, ITI वालों के लिए जो है यहाँ पे है। तो आप लोग इजीली जो है नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद इंटरेस्टेड होगा तो फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा।